नमस्कार दोस्तों, कैंसर, शुगर, खून की कमी, बीपी का रामबाण इलाज है ये 6 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और इम्यून पावर बनाती हैं मजबूत। अश्वगंधा। दोस्तों, आयुर्वेद में अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसकी जड़ों और पत्तियों का अर्क या पाउडर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह ब्लड शुगर, कोर्टिसोल लेवल, अवसाद और सूजन के लक्षणों को कम कर सकता है। यह ताकत बढ़ाने, मांसपेशियों को बढ़ाने और मस्तिष्क समारोह को बेहतर बनाने में मदद करता है। तुलसी। तुलसी यह न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है बल्कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फ्लू आदि से राहत दिलाने में भी मदद करती है। यह ऐंठन, गैस्ट्रिक विकारों, शुगर को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी फायदेमंद है। आंवला। आंवला प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक आयुर्वेदिक दवा है। यह शरीर में वात, पित्त और कफ दोष को शांत करता है। पाचन को बेहतर बनाने में आंवला सहायक होता है। यह शरीर को भीतर से साफ करने में सहायक है। नीम। नीम को चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है। नीम रक्तचाप को साफ करता है। नीम में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। यह अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए जाना जाता है। यह अल्सर, भूख में कमी, हृदय रोगों, डायबिटीज और लीवर के रोगों के इलाज में भी फायदेमंद है। हल्दी। हल्दी को सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसमें औषधीय गुणों के साथ बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। हल्दी में सबसे सक्रिय यौगिक में से एक कर्क्यूमिन है जिसमें मजबूत विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। हल्दी मस्तिष्क के कार्यों में सुधार करती है और हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करती है। गिलोय। आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इनमें से सबसे असरदार गिलोय को माना जाता है। गिलोय का इस्तेमाल बुखार में एक आयुर्वेदिक दवा के रूप में लाभ पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल डायबिटीज रोगियों के लिए, सूजन कम करने, शुगर को नियंत्रित करने और गठिया रोग से लड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।